अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये खबर भी राजस्थान से है। जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से बता रहे हैं। मथानिया स्टेट हाईवे पर बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है। 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 5 से 7 लोग अभी तक बस के कैबिन में फंसे हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप, 4 से 5 लोगों के मरने की आशंका इसमें जताई जा रही है। तो बस और ट्रक की कितनी जबरदस्त भिड़ंत रही होगी, किस तरीके से पूरा सड़क हादसा पेश आया। जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, 4 से 5 लोगों के इसमें मरने की खबर है, 5 से 7 लोग अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से जोधपुर में सड़क हादसा हुआ है, बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि आसपास के लोग जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचे हैं और लोग अपनी गाड़ियों में भी जो है इनको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो लोग चोटिल हैं, घायल हैं, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि बस का जो कैबिन है वहाँ पर भी 5 से 7 लोग फंसे हो सकते हैं। बड़ा सड़क हादसा हुआ है जोधपुर में, ये खबर आपको बता रहे हैं। 5 से 7 लोग बस में अभी भी फंसे हुए हैं, 4 से 5 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है और करीब 12 लोग जो हैं वो भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकाला है और अस्पताल उन्हें भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोहित सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से ट्रक और बस का ये पूरा हादसा हुआ है, कितने लोगों के घायल होने की खबर है, क्या किसी तरह के जान का नुकसान भी हुआ है, यानी किसी की मृत्यु हुई है, क्या खबर, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए जो जोधपुर का जो स्टेट हाईवे है, जोधपुर जैसलमेर का, तो वहाँ पर मथानिया बाईपास पे ये पूरा हादसा हुआ है, जहाँ पर एक बस और ट्रक में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई है कि आगे के हिस्से पूरी तरह से पिचक गए, जिसमें बस के कैबिन में 5 से 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ट्रक के कैबिन में 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। स्थानीय जो ग्रामीण थे उन्होंने बस के शीशे तोड़कर जो भी सवारी थी उनको बाहर निकाला है। तो 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं बस के अंदर सवारी थी वो घायल हुई है, तो उनको स्थानीय ग्रामीणों ने, आसपास के ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया है। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि ट्रेन और जेसीबी यहाँ पर हाइड्रो मंगवाई गई है, बस और ट्रक को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग केबिन में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये चीज अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि कितने लोगों के मरने की यहाँ पर सूचना है। जहां तक यहाँ पर माहौल दिख रहा है कि बस के केबिन में जो 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं, ट्रक के केबिन में 2 लोग फंसे हुए हैं, तो वो ज्यादा वहां पर गंभीर है और उनके निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों की यहां पर कैजुअलिटी हुई है। जी, जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? सुनने में आया कि स्थानीय लोग जो है उनको निकाल रहे हैं और अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए कि व्यस्ततम मार्ग है जो मथानिया बाईपास रोड पर, यहाँ पर है जो ट्रकों की आवाजाही रहती है, उसके बाद जो प्राइवेट रूट की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चलती है। तो जो बस थी जोधपुर से चाड़ी की तरफ प्राइवेट गाड़ी ये जा रही थी, तो आमने सामने की यहाँ पर भिड़ंत हुई है। तो स्थानीय ग्रामीण जो थे, आसपास होटलें भी थी, जैसे ही भिड़ंत हुई तो वो लोग वहां पर पहुंचे और तत्काल तुरंत उन्होंने हादसे होते ही उन्होंने आनंद फानंद में बस के शीशे तोड़े हैं। जो सवारियां थी, एक बार भिड़ंत होते ही कोहरा मच गया। बस के अंदर जो सवारियां थी वो भी काफी चोटिल हुई है, कईयों के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, कईयों के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो एक तरह से जो है कि बहुत ही कैजुअलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब देखने की बात होगी कि पुलिस प्रशासन अभी मौके पर पहुंचा है, स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल है उनको अस्पताल भेजा गया है। तो ये अभी थोड़ी देर बाद स्थिति क्लियर होगी कि इसके अंदर कितनी कैजुअलिटी है, कितने लोगों के मरने की यहाँ पर खबर आती है। जी, किस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया है और अगर इस जगह की बात करें तो कैसे जो है इतनी बड़ी बस और इतने बड़े ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है? आपको क्या लगता है किस तरह का पूरा वाकया आमने सामने का पेश आया है? क्या ये वन वे था? किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही है? किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है? देखिए जो पूजा, जो मौके की स्थिति है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ पर मौके के पर देखते हुए ये लग रहा है कि बस अपने रूट पर चल रही थी, जो जोधपुर से चाड़ी की तरफ ओसिया की ओर जा रही थी वो अपने साइड पर चल रही थी, लेकिन जो ट्रक है वो शायद जहाँ उसके आसपास इधर दोनों साइड में होटलें हैं, तो होटल पर रुकने के लिए जैसे ही उन्होंने टर्न लिया तो आमने सामने की ये भिड़ंत हुई है।
जहाँ तक मौके की स्थिति है उसको देखकर यही अंदाजा अभी तक लगाया जा रहा है। जी, और जो घायल लोग हैं उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उनकी क्या स्थिति है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे रोहित। जो घायल हैं उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां पिकअप गाड़ियां हैं, जो हाईवे पर गाड़ियां रुकी थी, छोटी मोटी जो प्राइवेट कारें हैं उनकी मदद से एक बार जो प्राइवेट पास में ही मथानिया सैटेलाइट अस्पताल है वहां पर भर्ती वहां पर करवाया है। और बाकी अभी प्रशासन यहां पर पुलिस मथानिया थाना भी यहां पर पहुंचा है, जोधपुर से टीमें पहुंची है, रेस्क्यू यहां पर पहुंची है और 4 से 5 एम्बुलेंस भी अभी यहां पर पहुंच चुकी है। जो घायल है उनको, जो नॉर्मल जो घायल है उनको मथानिया अस्पताल एक बार प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है और वहां से जो भी ज्यादा गंभीर घायल है तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।